और आपके पीछे सारे लोग खड़े आपको मिलेंगे। मेरी 9:35 की फ्लाइट है, मुझे निकलना है, मैं ज़्यादा वक्त आपको दे नहीं सकता। पहले मैं देरी से आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आखिर में एक ही बात मैं करूँगा, नहीं है मेरे पास दौलत का ढेर, नहीं मेरे पास दौलत का ढेर, मगर पूरी दुनिया को प्यार से खरीदने की औकात रखता हूँ। तो आपके पास से मैं अभी आज ये प्यार लेके जा रहा हूँ, ये प्यार मैं आपको दे के जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ ऐसा मत बोलना गलत है, प्यार दे के जा रहा हूँ। अभी इंडिया में सिस्टम बदल गया, आपके यहाँ भाव भी चलता है क्या दिवाली के टाइम पे, बहन चलता है। के पास जाते हो? यस तो पहले ऐसा होता था, भाई बीज, भाई दूज। हाँ भाई दूज, भाव बीज, भाव बीज, भाव उधर महाराष्ट्र में भाव बीज बोलते हैं। तो भाई दूज, जब भाई जाता था तो बहन को साड़ी लेके जाता था, बहन उसको कुछ गिफ्ट नहीं देती थी जब एक जमाना था। आज ऐसा है, भाई से पहले बहन गिफ्ट खरीद के रखती है, कभी मेरा भाई आएगा, जैसे भाई उसको साड़ी देता है, वो उसकी आरती करती है, तो बहन भी रिटर्न गिफ्ट उसको देती है। ऐसा समझ लो, भाई बहन का रिश्ता अलग होता है, आपका मेरा रिश्ता भाई बहन का तो बन नहीं सकता। तो मैं आज आपके पास प्यार लेके आया हूँ, तो मुझे भी रिटर्न गिफ्ट लगेगा। प्यार से आपको खींच के मुझे महाराष्ट्र में लेके जाना है, और महाराष्ट्र में आप यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हो वो वहां पे भी आके करिए, और महाराष्ट्र को भी समृद्ध बनाने के लिए आपका योगदान दीजिए। ये रिटर्न गिफ्ट आपसे मैं चाहूंगा। संदीप जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, छगन भाई को भी धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी से मिलने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है, आगे भी मिलते रहेंगे, जब कभी फिर से आऊंगा फिर मिलेंगे, टाइम निकाल के मिलेंगे, क्योंकि वहां पे ऐसा हो गया कि मेरे जिले से आज तक कोई सेंटर में मिनिस्टर नहीं बना था, 74 साल लगे। तो मैं मेरे स्पीच में कहता हूँ कि राम का वनवास तो 14 सालों में खत्म हुआ था, राम मंदिर का वनवास तो 528 सालों में हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्णय होके राम मंदिर का वनवास 528 सालों में खत्म हुआ, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट का वनवास खत्म होने के लिए 74 साल इंतजार करना पड़ा। 74 साल आजादी को हुए, 75 साल में हम लोग अभी है, तो 74 सालों के बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट से कोई सेंटर में मिनिस्टर बना है। आज मैं तेलंगाना के 3 गांवों में जाके आया, वो गांव के लोगों ने कहा कि पहली बार कोई सेंटर का मिनिस्टर यहाँ पे आया है, अभी आजादी को 74 साल हुए, यही उन्होंने कहा। तो मैंने उनको कहा कि शायद मोदी जी को ये बात पता है, ये 74 सालों का वनवास अगर कपिल पाटिल का मार थाने जिले का खत्म करेंगे तो वो जाके देश के हर कोने में, जिस गांव में भी कोई मंत्री नहीं गया उस गांव में जाके वो मंत्री का, वो गांव का वनवास खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, गांव में जाके गांव के लोगों से मिलना, उनकी समस्या को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने उनको आखिर में यही कहा था कि भैया देखो, यहाँ पे सरकार TRS पार्टी की है, मेरे एक बाजू में TRS का जिला पंचायत का चेयरमैन बैठा था, दूसरे बाजू में कांग्रेस का MP बैठा था। मैंने उनको कहा, जात धर्म पंथ पार्टी इससे ऊपर उठ के, एक जात है एक पार्टी है, वो इंसानियत की है, इंसानियत के नाते हम लोग अगर काम करेंगे तो पार्टी से और जात पात धर्म से ऊपर उठ के काम करेंगे। इसलिए हमको गांव के विकास में अपना योगदान देना है। उनको भी बात पसंद आई, कौन से पार्टी का कौन रूलिंग करता है ये बाजू में करके मोदी जी जब स्पीच करते हैं तो बोलते हैं मेरे 125 करोड़ देशवासी, किसी को छोड़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ते, सबको बोलते हो। तो आप जब विदेशों में जाते हो, देश का कोई भी नागरिक जाए, हमारे इधर जितने धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, ये सारे जो धर्म है, ये धर्म का कोई भी जाता है विदेश में तो गर्व से हमारा सीना भी चौड़ा होता है। लोग अभी क्या पूछते हैं, मोदी के देश से आया है? वो इंग्लिश में बोलते हैं, पहले नहीं पूछते थे ऐसा, पूछते थे? ना मैं 15-20 साल पहले यूरोप गया था, वो बस का ड्राइवर बोल रहा है, आई हेट ब्लडी इंडियंस। आज विश्व के किसी भी कोने में वो ड्राइवर छोड़ दो, कोई प्राइम मिनिस्टर भी किसी देश का नहीं बोल सकता इंडिया के लिए।
इतना सम्मान हमारे देश का हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है, इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए आप योगदान, आप लोग योगदान दीजिए। आने वाले दिनों में अमेरिका के सामने भारत का कोई भी नागरिक खड़ा रह के बोल सकता है, भैया देखो हम आपके बराबरी में नहीं, आपके आगे जाने की बात सोच रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में जाते जाते एक ही बात करूंगा, महाराष्ट्र में हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे विलासराव देशमुख, इन्होंने कहा था कि मैं मुंबई को शांघाई बनाऊंगा। मैं उस तक जिला पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, मैंने कहा भैया हम लोग नहीं बना सकते। मैं जहाँ भी स्पीच करता था उनको क्रॉस करता था, मैं एनसीपी में था वो कांग्रेस में थे, तो मैं उनको क्रॉस करता था कि ये विलासराव देशमुख जी ने कहा कि हम लोग मुंबई को शांघाई बनाएंगे, ये भले उनकी सोच है लेकिन मेरी सोच है हम लोग नहीं बना पाए। उसका मैं जस्टिफिकेशन देता क्यों नहीं बना पाए, चाइना ने क्यों बनाया, चाइना ने इसलिए बनाया, चाइना के हर नागरिक को ऐसा लगता है जल्द से जल्द हमें अमेरिका के आगे जाना है, हम क्यों नहीं बनाएंगे। हमारे देश के हर नागरिक को ऐसा लगता है कि हमें जल्द से जल्द अमेरिका में जाना है। उनके सोच में और हमारे सोच में ये फर्क है, हमारी सोच अभी बदल गई। इसलिए जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो वहां पे हमारा कोई अगर साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो वो मोदी जी को खुद होके बोलता है कि अबे व्यवस्था तैयार आपने करी है तो अभी ये छोड़ के, अमेरिका छोड़ के हमें हमारे देश में आके बिजनेस करना है। इस तरह की सोच विदेशों में बिजनेस करने वाले लोगों में मोदी जी ने पैदा कर दी, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गौरवशाली बात है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग मोदी जी के राज में अभी पैदा हुए हैं, उनका राज देख रहे हैं। और मैं सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली खुद को इसलिए समझता हूँ कि मैं मोदी टीम का हिस्सा हूँ और उनके साथ काम करने का मौका मिलना ये मामूली बात नहीं है। आप बाकी किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ मंत्री बन सकते हो, कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे लोग मंत्री बनते थे आप लोगों को सबको पता है, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में जो आदमी काम करता है उसी को मंत्री बनने का मौका मिलता है। आपके मालूम के लिए बताता हूँ मैं, मेरे को दिल्ली से फोन आने तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं मंत्री बनने वाला हूँ, ना मैं किसी से मिला, ना जाके सिफारिश किसी ने की मेरी, ऐसे सभी मंत्री बने। जिसने जो जो मंत्री बने हैं, जिसमें कुछ क्षमता है, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको मोदी जी ने मौका दिया है, ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। इसलिए आप लोग सब व्यापारी हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी का साथ दीजिए, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। और मैंने जैसे कहा कि अमेरिका के सामने खड़ा रह के हमारा कोई भी नागरिक बोल सकता है कि आप आवाज नहीं कर सकते, हम मोदी जी के देश से आए हैं, आपसे भी आगे जाने की सोच हमारे प्रधानमंत्री की है और उसका एक मैं हिस्सा हूँ, ऐसा कहने की ताकत हमारे हर नागरिक में पैदा करने की क्षमता करने वाले हमारे प्रधानमंत्री है, ये हमारे लिए गौरवशाली बात है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, 7:15 7:30 मुझे निकलना, फिर से एक बार कभी आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम नियर माय स्क्रीन।